है आपका हमारे YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आपको पहले से पता था, हम कक्षा 10 का मैथ इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं। आज हमने साइंस भी प्रारंभ कर दिया। साइंस का पहले आपका जो साइंस की जो पहले बुक के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है विज्ञान, आज हम उसे क्लियर करेंगे कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, साइंस कहाँ से आई है ये, और इसकी खोज किसने की है। आज हम साइंस का पूरा बेसिक पढ़ने वाले हैं, यानी कि विज्ञान का हम पूरा बेसिक पढ़ने वाले हैं। बेसिक के बाद हम पहली क्लास पढ़ेंगे अपनी बुक की। जैसे कि आपको पता है, पहला हमारा प्रोसीजर केमिस्ट्री का है, यानी कि रसायन विज्ञान का, उसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। इस तरीके से हम पूरी साइंस आपकी कवर कराने वाले हैं हाई स्कूल की, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने विज्ञान, ठीक है, और यहाँ पे भी विज्ञान लिखा है। विज्ञान का जो संधि विच्छेद करें हम, तो वो होगा बी प्लस ज्ञान। क्या होगा? बी प्लस ज्ञान, ठीक है। बी का अर्थ होता है विशेष या विशिष्ट, यानी कि विशेष का मतलब क्या है कि कोई चीज अपने आप में विशेष है या विशिष्ट है, दोनों का अर्थ एक ही है। विशेष है कि आपने देखा होगा कि किसी गांव में कोई व्यक्ति खास होता है, या मैं कहूँ प्रधान, तो उसे कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है इस गांव का विशेष है, कि विशिष्ट है, ये विशेष व्यक्ति है। तो इसी चीज विशेष का अर्थ यही है कि विशेष है वो। और ज्ञान, ज्ञान का क्या अर्थ होता है? देखिए, ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त अनुभव को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान इंद्रिया क्यों ने, हमारे पास हमारी पांच ज्ञान इंद्रिया है, आंख, कान, मुंह, नाक और त्वचा, ठीक है। ये हमारी पांच ज्ञान इंद्रिया है, इनसे जो हमें अनुभव होता है उसे कहते हैं ज्ञान। क्या कहते हैं उसे? ज्ञान कहते हैं। देखिए, अगर हम अपने आंख भी बंद कर रखी है, अगर हम अपना हाथ पानी में डाल दें, तो हमारी त्वचा हमें बताती है, हमारे बॉडी को इन्फॉर्मेशन देती है, ज्ञान देती है कि ये पानी है। जो ठंडा ठंडा लग रहा है वो क्या है? पानी है। अगर हम आंख से देखें किसी पेड़ को, तो हमारी आंख बताती है ये पेड़ कितना सुंदर है, हरियाला है। तो आंख ने हमें क्या दिया? अनुभव दिया कि ये पेड़ हरियाले है ना, या कितने अच्छे फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, तो आंख ने दिया। या हम कहें जैसे कि कहीं हम जा रहे हैं और आपको खुशबू आए अच्छी, तो आप कहेंगे वाह कितनी अच्छी खुशबू है, तो किसने ज्ञान दिया? वो नाक ने दिया, है ना। तो इसी तरीके से हमारे जो पांचों ज्ञान इंद्रियों से हमें अनुभव मिलता है उसे ही ज्ञान कहते हैं। क्लियर है? पहला पॉइंट ये, यहां तक क्लियर होगा आपको ये और ये, ठीक है। अगला आते पहला पॉइंट हमने यही बनाया था, पहला पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट है कि विज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस का हिंदी रूप है। सच बात है, जो विज्ञान है ये साइंस का हिंदी रूप है, ठीक है। विज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइंस शब्द का हिंदी रूप है, है ना, क्योंकि इंग्लिश में विज्ञान को साइंस कहते हैं। क्लियर है? चलिए इससे अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेंटिया से हुई है। क्वेश्चन आता है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन भाषा के ये शब्द कौन से? सेंटिया से हुई है, ठीक है। क्लियर है? सेंटिया से हुई है, और जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है जिसका अर्थ? जानना। किसका अर्थ होता है? सेंटिया का। सेंटिया का अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि किसी चीज को जान, सेंटिया का मतलब होगा किसी चीज को जानना या उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, ये होगा सेंटिया का। क्लियर है वाला पॉइंट? चलिए अब देखते हैं अगला। 19वीं शताब्दी में विलियम बेवेल, ये एक व्यक्ति हुए विलियम बेवेल द्वारा सन 1883 ईस्वी में वैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी कि सबसे पहले वैज्ञानिक शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेवेल द्वारा किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था? सन 1883 में किया गया था। क्लियर है इतना? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम वैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, तो विलियम बेवेल ने किया था, और सन 1883 में किया था। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, लेकिन और अन्य वैज्ञानिक का मानना है, और ये इसी का ही पॉइंट है, लेकिन मैंने अगला बना दिया, ठीक है। क्या कहा? लेकिन और अन्य वैज्ञानिक का मानना है कि किसी भी व्यक्ति की तुलना में गैलीलियो, ये भी वैज्ञानिक हुए, गैलीलियो ने
आधुनिक विज्ञान में सबसे ज्यादा योगदान दिया। सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया था आधुनिक विज्ञान में? गैलीलियो जी ने। और गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है, इसलिए गैलीलियो जी को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान गैलीलियो जी ने ही हमें दिया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, पहले प्रकृति की जांच करने वाले खुद को प्राकृतिक दार्शनिक कहते थे। यानी कि जो पहले प्रकृति की जांच करते थे, ये प्रकृति जो है आप देख रहे होंगे अपने आसपास सारी चीजें, ये प्रकृति है, तो प्रकृति की जांच करने वाले पहले व्यक्ति अपने आप को क्या कहते हैं? प्राकृतिक दार्शनिक। प्राकृतिक यानी कि प्रकृति के जो है प्राकृतिक है, और दार्शनिक यानी कि जो दर्शन कराता है। दार्शनिक मतलब जो दर्शन कराता है, तो जो प्राकृतिक दार्शनिक कहते थे, यानी कि प्रकृति की जो जांच करते थे पहले प्राकृतिक दार्शनिक अपने आप को वो कहा करते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे, आपको साइंस पढ़ने से पहले ये बेसिक आना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक आपको आना चाहिए। अब हम विज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और अन्य जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, पॉइंट है, वे पढ़ेंगे। चलिए तो उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। चलिए अब पढ़ेंगे महत्वपूर्ण इसके अगले बिंदु। चलिए तो हमने परिभाषा बोर्ड पे लिख दी है, अब देखते हैं परिभाषा क्या है विज्ञान की। ध्यानपूर्वक देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाली किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाली किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। मैंने दूसरी परिभाषा भी लिखी है इसकी, परिभाषा तो बहुत है लेकिन इंपोर्टेंट दो है तो वे लिख दी है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करके उसे प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्रमाणित करना विज्ञान कहलाता है। यानी कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करके उसे प्रयोगों व परीक्षणों के द्वारा प्रमाणित करना विज्ञान कहलाता है। ऐसा नहीं कि बस अध्ययन कर लिया, है ना। विज्ञान कब कहलाता है? जब उसे प्रयोग के द्वारा और उसे प्रमाणित किया जाएगा। जैसे मैं बात करूं, आपका घर में जो बल्ब जलता है, आपने देखा होगा जो बल्ब जलता है, उसे एडिसन जी ने पहले प्रयोग किया, अध्ययन किया उसका, उसे बनाया, फिर उसे प्रयोग किया और उसका प्रमाणित भी दिया, जला के दिखाया, तब जाके उसे विज्ञान कहा गया कि विज्ञान की खोज है। ठीक है, तो इस तरीके से अध्ययन करना ही विज्ञान नहीं कहलाएगा, उसे प्रयोग में लाना है और प्रमाणित करके देना है किसी भी चीज को, तब वो विज्ञान कहलाता है। ठीक है, परिभाषा क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, जैसे पेड़ अपना भोजन कैसे बनाते हैं, उसकी पत्ती हरी व फल रंगीन क्यों होते हैं, कैसे पता? तो ये विज्ञान ही बताता है कि पेड़ अपना भोजन कैसे बनाते हैं और पत्ती हरी और फल रंगीन कैसे होते हैं, तो ये विज्ञान ही बताता है। चलिए अगला है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक की वस्तु का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। यानी कि मैं बात करूं, सुई से छोटी सी सुई से लेके और हवाई जहाज तक का जो ज्ञान है वो विज्ञान ही कहलाता है, विज्ञान की ही देन है, समझे। जैसे मैं बात करूं एक एग्जांपल और, बोर्ड पे इतने सारे नहीं आते, तो देखिए पहले हम जब कहीं की अपने रिश्तेदारी को दौरे या कहीं भी जाया करते थे तो हम पैदल जाया करते थे, है ना, उसमें समय भी बहुत लगता था और हमारे जो हमें थकावट भी बहुत होती थी। धीरे धीरे विज्ञान ने क्या बनाया, साइकिल बना दी। उससे क्या हुआ, समय भी कम लगेगा और हमारी थकान भी कम हुई। फिर और थोड़ा सा वृद्धि हुई तो आपको पता है मोटरसाइकिल आ गई, और समय कम लगा और हमारी जो थकावट थी वो भी कम होगी। और विज्ञान आई तो कार बना दी, बिल्कुल समय नहीं लगता, अब 10 मिनट में कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं और हमारा समय भी बिल्कुल। और ऊपर आए, ट्रेन बन गई, हवाई जहाज बन गए, मिनटों सेकंडों में कहीं पहुंच जाता आदमी। तो इस तरीके से ये सब वैज्ञानिक की देन है, ये विज्ञान की ही देन है सारी वस्तु, सुई से लेके हवाई जहाज तक। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखा है मैंने, ये वाला परिभाषा और एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज विज्ञान से परे नहीं है, सारी चीजें विज्ञान से जुड़ी है, हर चीज। आप जो साइकिल चलाते हैं, स्कूल जाते हैं, बुके हैं, कुछ भी, ये सब विज्ञान की देन है। जितनी भी आप चीजें अपने आस पड़ोस में देखते हो, सभी विज्ञान की ही देन है। ठीक है, चलिए जिस समय वीडियो बना रहा हूँ, ये फोन भी, ये विज्ञान की देन है।
आपको पता है। चलिए अगला पॉइंट है, विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है? मुख्यतः दो शाखाएं होती है, एक प्राकृतिक विज्ञान, एक सामाजिक विज्ञान। कौन कौन सी? एक प्राकृतिक विज्ञान, एक सामाजिक विज्ञान, यानी कि एक नेचुरल साइंस और एक सोशल साइंस। चलिए प्राकृतिक विज्ञान, ये यहां पर लिखा मैंने, आपको नीचे लिखना है क्योंकि आगे इधर नीचे नहीं आता। फिर एक होती है प्राकृतिक विज्ञान, एक होती है सामाजिक विज्ञान। मुख्यतः की बात करें सर, प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान को नेचुरल साइंस बोला जाता है इंग्लिश में। प्राकृतिक विज्ञान में सभी जैविक, जैविक मतलब जीव, जैसे कि हम है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है? जीव है। तथा अजैविक पदार्थ, अजैविक पदार्थ जैसे कि जो मृतक चीजें जैसे कि लकड़ी है, लोहा है, ये अजैविक पदार्थ है, का अध्ययन किया जाता है। क्या? का अध्ययन किया जाता है। इसलिए सॉरी, इसकी मुख्यतः तीन शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है? प्राकृतिक विज्ञान की भी मुख्यतः तीन शाखाएं होती है। नंबर एक भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स बोला जाता है। रसायन, नंबर दो रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री बोला जाता है। नंबर तीन जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी बोला जाता है। क्लियर है? अगला पॉइंट आता है हमारा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को सोशल साइंस बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? मनुष्य द्वारा किए गए क्रियाकलापों का अध्ययन जब वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है तो सामाजिक विज्ञान कहलाता है। यानी कि जब हमारे द्वारा जो क्रियाकलाप है उनका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाएगा तब वो सामाजिक विज्ञान कहलाएगा। ठीक है? जैसे राजनीतिक विज्ञान, देखो राजनीति से जुड़े क्रियाकलापों का अध्ययन किस में? राजनीतिक विज्ञान में, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अर्थशास्त्र, यानी कि आर्थिक जो गतिविधियां हैं उससे जुड़ी संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आएगी हमारे अर्थशास्त्र में। इतिहास आप जानते हैं, जो पीछे बीता जाता है उसे इतिहास बोला जाता है। और शिक्षा शास्त्र, जो आप पढ़ रहे हो वो उसका अगर अच्छे से ढंग किया जाए वैज्ञानिक ढंग से तो वो शिक्षा शास्त्र होगा। ठीक है? तो ये सारा हमारा क्लियर हुआ बेसिक। अब देखो हमें जो कक्षा 10 में पढ़ना है वो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ना होता है, और सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना होता है, आपको पता है, जिसमें राजनीतिक विज्ञान, इतिहास आएगा आपका, भूगोल आएगा, नागरिक शास्त्र आएगा, ये आएगा, है ना? तो आपको ये दोनों ही विज्ञान पढ़ने हैं। लेकिन कक्षा 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी होती है ना? ये सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान में नहीं आते हैं, ऊपर ये 8 साइड में गिने जाते हैं। ये वाला सामाजिक विज्ञान 8 साइड में गिना जाता है और ये साइंस साइड में गिना जाता है। ठीक है? तो आपको ये तीनों पढ़ने, कक्षा 10 वालों को ये और ये भी पढ़ना है, और इंटर वालों को ओनली भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ना है, ये पढ़ना होता है। अब कक्षा 10 की मैं क्या प्रारंभ करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने बताया था रासायनिक विज्ञान। पहले रासायनिक विज्ञान का पूरा परिचय पढ़ेंगे, रासायनिक विज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कहाँ से आया है, पूरा पढ़ेंगे। ठीक है? उसके बाद आपका मैं इसका चैप्टर प्रारंभ कर दूंगा। ठीक है? चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको देखिए ये एग्जाम में तो नहीं आएगा हाई स्कूल के, लेकिन मैं बता दूं बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। अगर कोई भी पूछ ले आप विज्ञान पढ़ रहे हो, विज्ञान का क्या अर्थ है, आप बताओगे सर विज्ञान का अर्थ तो हमें बताया नहीं किसी ने, है ना? तो सबसे पहले आपको विज्ञान का अर्थ पता होना चाहिए, फिर उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए, है ना? फिर उसके अच्छे से उसके ये पता होना चाहिए कि किसका सर्वाधिक योगदान रहा, किसे जनक कहा जाता है, फिर एग्जाम्पल क्या है। ठीक है? तो सारी जानकारी आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, तभी आप साइंस को अंदर से पढ़ें, जब भी आप साइंस को समझ सकते हैं। वरना साइंस तो पढ़ लेंगे, लेकिन आपने साइंस तो पूरी रट्टा मार लिया बुक का, लेकिन आपको ये नहीं पता विज्ञान क्या होता है, तो वो बेकार है। सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना होता है, बेसिक करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलूंगा आपको केमिस्ट्री के साथ, यानी कि रसायन विज्ञान के साथ, रसायन विज्ञान का बेसिक लेकर। चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद।